हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन में एक ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन एक बार कराई है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो प्रोडक्ट मिल रहा है ये, और फिर इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया है बच्चों, B2H6H2O2H- से रिएक्शन कराई है, तो प्रोडक्ट मिल रहा है बी। तो ए और बी रेस्पेक्टिवली बताने हैं क्या होंगे। तो NaBH4 क्या है बच्चों? एक हाइड्राइड बेस्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। ओके, जो कि क्या करता है बच्चों, एल्डिहाइड या कीटोन्स को अल्कोहल में चेंज करता है। ओके बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज करता है, एल्कीन के ऊपर ये एक्ट नहीं करता है क्योंकि हाइड्राइड बेस्ड है बच्चों। ओके, कैसा है? हाइड्राइड बेस्ड है, ये अटैक नहीं कर पाएगा एल्कीन को क्योंकि एल्कीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो इसको रिपेल करती है। ओके बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, एल्कीन का कुछ नहीं करेगा, ये रिडक्शन कर देगा कीटोन की टू एल्कोहल। ओके बच्चों, ये क्या बना है हमारा, ये बन जाएगा हमारा ए। ओके, और बी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसका होता है, क्या कीटोन्स का, एल्डिहाइड का होता है? नहीं बच्चों, एल्कीन्स का होता है। किसका होता है बच्चों? एल्कीन्स का होता है। ओके बच्चों, और उस कार्बन पे जाके OH लगता है जिसपे क्या होते हैं बच्चों, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये क्या बन गया बच्चों हमारा, ये हमारा बी बन जाएगा। ओके बच्चों, तो ये तो गलत है बच्चों। ओके, यहाँ पर ये बी तो सही दे रखा लेकिन ए गलत है बच्चों इनका। ये इसमें क्या है बच्चों, इसमें इन्होंने यहाँ पर अगेन बी सही दे रखा है लेकिन ए गलत है। यहाँ पर ये भी गलत बच्चों। ओके, ए सही है। ओके बच्चों, बी गलत है, और यहाँ पर ये ए है बच्चों और ये बी है आपका। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।